बास्को तो सभी जानते हैं और पहचानते भी हैं। ये घर के बहुत सारे काम में यूज किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है बांस को खाया भी जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो लंबे लंबे बांस जिसे हम अंग्रेजी में बम्बू कहते हैं, ये औषधि गुणों से भरपूर होते हैं, जिससे कई लोग आज भी अनजान हैं। शायद आप सबको ये लग रहा होगा, आखिर कैसे बांस का इस्तेमाल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जा सकता है। असल में बांस का कठोर सख्त भाग नहीं, बल्कि इससे निकलने वाली कलिया को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अंकुरी कोपली भी बोलते हैं, जो नरम बांस होते हैं, अंग्रेजी में जिसे बाम्बू शूट्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं बांस खाने के बारे में। बांस को कैसे खाना चाहिए, बांस क्यों खाना चाहिए, बांस खाने से शरीर में क्या लाभ होता है और बांस खाने के क्या क्या फायदे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो चैनल में नए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना होने पाए। सो हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजा एंड यू आर वॉचिंग हेल्थ ट्रेनर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, क्यों बांस हमारे शरीर के लिए इतना फायदेमंद होता है? बांस पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B6, मैग्नीशियम, कॉपर भी होते हैं। इसके अलावा नरम बांस में मौजूद फेनोलिक कंपाउंड होने के कारण ये एंटीऑक्साइड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। नंबर टू, बांस को वेट लॉस के लिए भी यूज किया जाता है। ये वजन को कम करने में सहायता करता है, क्योंकि नरम बांस में शुगर, कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत कम मात्रा में होते हैं। आपको बता दें, लगभग 100 ग्राम बांस में 20 कैलोरी, 3 ग्राम कार्ब्स, 2.5 ग्राम प्रोटीन और 0.49 ग्राम से भी कम फैट होता है। इसलिए वजन कम करने वालों के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है, नरम बांस खाना। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर भी होते हैं, जो कि आपके पाचन तंत्र की गतिविधि को बेहतर बना देती है, जिस कारण आहार में बांस को खाने से आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। साथ ही ये कम कैलोरी होने के कारण वेट लॉस करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। नंबर थ्री, दस्त और पाइल्स में बांस के उपयोग। दरअसल बांस में ग्लूकोसाइड्स, न्यूक्लियस एंजाइम, बीटेन और साइनोजेन केमिकल कंपाउंड होते हैं, जो दस्त को ठीक करने में सहायक होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होने के कारण पाइल्स बवासीर की समस्या, कब्ज की समस्या से भी राहत दिलाता है। नंबर फोर, हाइट बढ़ाने में मददगार। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों की उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ती है, तो उन्हें बांस की कोपली या बांस का मुरब्बा खाना चाहिए, क्योंकि बांस में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटासियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सेलियम तथा प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए इसे खाने से हड्डियां मजबूत होने के साथ साथ लंबाई भी बढ़ती है। नंबर फाइव, पीरियड्स की परेशानियों में बांस खाने के फायदे। मासिक धर्म चक्र के समय बहुत से महिलाओं को पीरियड्स के प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। किसी का मासिक चक्र अनियमित होता है तो किसी को हद से ज्यादा दर्द होता है, तो उन महिलाओं को हफ्ते में 2-3 दिन बांस खाना चाहिए, क्योंकि बांस की कोपली में एनाल्जेसिक नामक तत्व मौजूद होते हैं, जो पीरियड्स को रेगुलेट करने के साथ साथ उसके दर्द को भी कम करता है। तो इसीलिए जिन महिलाओं को पीरियड की प्रॉब्लम होती है, वो बांस खा सकते हैं, इसे उन्हें लाभ मिलेगा। तो चलिए आप जानते हैं बांस को कैसे खाना चाहिए। बांस की कोपली की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, बांस की सूप बनाकर खा सकते हैं, इसके अलावा बांस की मुरब्बा बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद है आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके ढेर सारे प्यार के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियोस पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।